वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल भक्ति व्लॉग। तो सो गाइस, आज मैं आपको ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर होंगे। यहाँ पे किसी ने नहीं बीज डाला है, ना किसी ने यहाँ पे लगाए हैं। तो गाइस, ये कुदरत का करिश्मा है। मैं आपको सब दिखाऊंगा एक एक करके, जितने भी फ्लावर हमें मिलने वाले हैं। तो सो बने रहिए वीडियो के पूरे एंड तक, और भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ हाँ, करो करो, जल्दी करो, पहले सब्सक्राइब करो फिर दिखाऊँगा उसके बाद। कर लो प्लीज़ यार। तो चलो, पहला फ्लावर आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा पर्पल कलर का। ये तो काफ़ी सारे फ्लावर हैं यहाँ पे। अभी कलर वाइज मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो भाई नाम का तो मुझे पता नहीं, अगर किसी को आता है नाम तो वो कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकता है। फ्लावर भाई पिंक कलर का है, ये देख सकते हो। तो कितने फ्लावर है भाई, लोग यहाँ पे जैसे पनीर लगी। मक्खी वगैरह बैठी हुई है अंदर इसके अंदर। तो काफ़ी सारे फ्लावर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ये तीसरा फ्लावर मैं दिखा रहा हूँ आपको, मुझे एक फ्लावर का नाम भी नहीं आता भाई इसमें से। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हो। जानते हो आप तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बोलना। ये देख लो ये किस तरह का है। ये देख लो जैसे पनीरी दी हुई है किसी ने। तो दूसरे वाला वाइट जो था वो अलग था, ये फूल अलग है। तो अभी मैं और दिखाने वाला हूँ आपको, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। भाई यार आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक वगैरह कुछ नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते यार, आप एक सब्सक्राइब एक ही बटन तो दबाना है यार। लाइक कर दो दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दिया करो। ये देख लो, तो अब चलते हैं आगे आगे, देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। ये फ्लावर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको। तो मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ ऊपर मंदी धारा में। ये फूल जो रेड रेड और वाइट है, ये काफ़ी फूल मिल रहे हैं रास्ते में। क्या खूबसूरत व्यू है यार, है ना भाई लोग, कितनी खूबसूरत सीनरी। यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो सकती है अभी इस टाइम। तो जब बर्फ़ पड़ेगी तो ये एरिया आपको दिखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होगी। जब ऊपर से ग्लेशियर्स वगैरह फिसलेंगे तो फिर भाई एक फूल नहीं बचेगा यहाँ पे। ये जो सीड इसका भी तैयार हुआ, ये गिरेगा अगले साल में, ये उगेगी। ये हमारी मंदी धारा ऊपर। तो मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी आपको। ये पहाड़ी एरिया कितना खूबसूरत है, ये पूरा नाला जो है फूलों के साथ भरा पड़ा है। चलता हूँ अभी ऊपर, आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ जो भी रास्ते में फूल मिलेंगे। काफ़ी दिक्कत हो रही है यार चढ़ाई चढ़ने में। तो ये जो फूल की खुशबू है ना, इससे मन तो नहीं कर रहा कि वापस जाएं। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हमें इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो ये पीछे देख लो क्या शानदार व्यू है। I
घास काट लिया, अभी थोड़ा काटने को इस साइड भी घास काट लेंगे। तो भाई लोग यार बीच में धुंध पड़ रही है अभी थोड़ी थोड़ी, ये धुंध जो पड़ रही है काम खराब करेगी। तो चलते हैं ऊपर देखते क्या क्या फ्लावर अब और मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें यार, सब्सक्राइब कर दें यार भाई। कितने दूर आए हैं तो पहाड़ी चले गए आप सिर्फ आपके लिए। हमने बहुत किस्म के देख लिए, ये वाइट पहले देख लिया आपने तो इसमें, और ये दूसरा वाइट ये वाला जो है इसमें कितना डिफरेंस है यार, खुद ही देख लो। हम इनको इकट्ठे करूँगा एक साथ, ये देख लो कितना डिफरेंस है इसमें। ये वाइट वाले फूल ये अलग है और ये दूसरा वाइट वाला जो फूल है ये अलग है, और जो मैंने अभी नीचे दिखाया वो इससे अलग है। नाले में बह रहा है पानी, ये देख सकते हो आप अंडरग्राउंड है कहीं कहीं भी पानी। तो भाई वाइट फ्लावरों के बीच यार काफी शानदार फूल एक और निकल पड़ा जिसपे मेरी अभी अभी नजर पड़ी, ये देख लो ये कुछ और ही टाइप का फ्लावर है। इसकी दो ही पत्तियां हैं और बीच में जैसे इसका मुंह है वो जैसे ग्लास का मुंह होता है। तो मैं इसको हाथ में पकड़ के दिखाऊंगा, तो ये देख लो ये पीछे कैसा है, पीछे से कैसा फ्लावर है ये, और अंदर एक कांटा जैसा लगा हुआ है इसमें, ये कांटा आपको दिख रहा होगा। ये सभी फ्लावरों में है, ये अब दूसरे में दिखाऊंगा आपको मैं। ये जो रेड पिंक कलर के जो फ्लावर है ये देख लो इसमें क्या है, इसमें अभी कुछ अंदर वाइट सा जानवर चला गया है ये देख सकते हो आप। तो इसमें जो कांटा जैसा है इसमें भी है, इनको मैं तोड़ के हाथ में लूंगा, ये नरम है यार, ये अंदर से जैसे भाई ये देख लो यार कैसा स्ट्रक्चर है इसका, देख लो जैसे दिल बना हुआ है बीच में। तो भाई है ना कुदरत का करिश्मा यार, दो पत्तियां ऊपर हल्की हल्की एक बड़ी पत्ती और बीच में जैसे दिल बना हुआ ऊपर की तरफ उल्टा दिल। अब मैं घुमाऊंगा इसको दूसरी तरफ, तो ये देख लो बन गया ना भाई दिल। मुझे लगता है ये बीच में फीमेल है और साइड में मेल हो सकता है, ये जो दो आपको दिख रहे हैं पंख जैसे इसके छोटे छोटे, तो नीचे का हो सकता है फीमेल या मेल हो सकता है, अब क्या पता है कौन मेल है कौन फीमेल है। चुका एक वाटरफॉल में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, सामने वाटरफॉल कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये है देसी हल्दी, तो यहाँ तक तो मैं जान सकता हूँ ये पत्थर है मेरा, तो नीचे फिसल गया तो भाई ये देख लो नीचे क्या हाल पड़ने वाला है मेरा। कितने दूर से आए हूँ भाई आपके लिए यार, एक लाइक कमेंट करिए जरूर सब्सक्राइब किया जरूर। मैं ऊपर सिर्फ पहाड़ी है यहाँ पे नहीं चढ़ सकता हूँ, नहीं देख लो कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, ये जो सामने दिखाई दे रही है देसी हल्दी है, मैं आपको निकाल के दिखाता बस सॉरी भाई मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता यार, ये जो पत्थर है यहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये देख लिया सामने हल्दी है देसी हल्दी, अभी मेरे पास टाइम नहीं यार, टाइम काफ़ी हो चुका है घर वापस भी जाना है, तभी तो मैं आपको ऐसे ऐसे फूल दिखाता यार, आपका जो दिल है ना क्या आगे मैं क्या बताऊं कि क्या होता है आपके दिल को। ये देख लो ये खंबे की तरह खड़ा है, ये फूल देख लो इसको जैसे खंबे की तरह खड़ा है, ये देख लो नीचे से फूल ही फूल लगे हुए ऊपर तक। अब मैं दूसरा फूल दिखाने वाला हूँ आपको, ये देख लो इसके फूल साथ में पानी बह रहा है इसके पत्ते, और ये जो ऊपर जाके इसके टॉप पे ये जो फूल लगे हैं ये फोकस नहीं हो रहा है इस पर। तो भाई लोग देख लो नीचे पानी बह रहा है, तो ये देख लो सफ़ेद हल्दी कलर का फूल, खुशबू काफ़ी अच्छी है इस फूल की, ये जो हल्दी कलर का है येलो कलर। Yes.
सामने ये फूल है, इसी के साथ मेरी नज़र पड़ चुकी है एक बड़े वाटरफॉल पे, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख लो वाटरफॉल, पानी कितने दूर से आ रहा है ऊपर से, ये आप देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ है, ये सिर्फ पत्थर ही है। जो नीचे फूल था वहाँ पे मुझे रास्ता नहीं मिला था जाने के लिए, तो अब मैं यहाँ पे नज़दीक जाके दिखाऊंगा आपको इसके रूबरू जाके। ये फ्लावर मैंने नीचे भी दिखाया था आपको शायद, ये देख लो किस तरीके का फ्लावर है। बड़ा सा वाटरफॉल, तो भाई लोग अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो किस दिन मैं फिर मिलूंगा इसी वीडियो के साथ। ये सामने देख लो क्या खूबसूरत पहाड़, ये नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही बस है जो आप सामने देख रही हो। अगर टाइम होता तो मैं आपको दिखाता हूँ और भी, पर लेकिन भाई सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं इससे ऊपर नहीं जा पाऊँगा, टाइम हो रहा है, काफ़ी 6 बज चुके हैं।